Now tell me your deepest, darkest fantasy. Hello everybody, welcome to Arhan Entertainment. Lucifer Season 5 Part 2, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 53 मिनट से लेके 1 घंटे के, और ये आपको हिंदी में देखने को मिल जाता है। खैर, शो की कहानी एग्जैक्ट सीजन 5 के पार्ट 1 के 8 एपिसोड के बाद स्टार्ट होती है, जहाँ पर गॉड हिमसेल्फ अर्थ पर आ चुके हैं। अब अर्थ पे आने का गॉड का रीज़न क्या है, और उसके बाद कैसे लूसीफर, माइकल, एमेडल, मेज, क्लोई, डैन, लिंडा, इन सबकी लाइफ में ट्विस्ट आता है, वो क्या ट्विस्ट है, वो देखने के लिए तो आपको ये शो देखना पड़ेगा। खैर, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको रिव्यूअर से ज़्यादा फैन वाली वाइब फील होगी। मैं खुद लूसीफर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं लूसीफर की बात नहीं कर रहा, मैं लूसीफर शो की बात कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और लिटरली जब आप किसी एक शो के इतने सारे सीजन्स, इतने सारे एपिसोड्स देख लो, और उसके बाद भी आप लोग चाहो कि और भी लूसीफर के सीज़न आए, तो फिर डेफिनेटली आप उसके फ़ैन हो। तो यहाँ मेरे ख्याल से 90% ऑडियंस लूसीफर की फैंस है जो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं। अगर ऐसा है तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर, शो के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि लूसीफर के आपने जितने भी सीजन्स देखे या जितने भी एपिसोड्स देखे, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे पार्ट टू, सीरियसली। और एक सीन है 9th एपिसोड में, जहाँ पर हमें गॉड, माइकल, लूसीफर, एमरेडिल और लिंडा डिनर करते हुए नज़र आते हैं। वो सीन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पर जो जो कन्वर्सेशन होती है आपस में इन लोगों के, वहाँ से आप लोग एक चीज़ फील करोगे कि यहाँ पर जो फैमिली ड्रामा है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं आप इमोशनल फील करोगे। और ऐसा ही होता है, आने वाले जितने भी एपिसोड्स हैं वहाँ पर फैमिली पर फोकस ज़्यादा किया, लेकिन साथ साथ जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं जैसे कि डैन और लिंडा, इनका भी जो आर्क था उसको इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर और बड़ा है, और जो जो चीज़ें उनसे रिलेटेड बताइए ना, लिटरली अगर आप लोग लूसीफर शो के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दिल पर आपके टच तो होगा, वो एक थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाओगे। और सीरियसली मैं उन सारे कैरेक्टर्स से एक हिसाब से इतना ज़्यादा अटैच हूँ, इतना कनेक्टेड हूँ कि हर एक कैरेक्टर मुझे पर्सनली अपनी अपनी जगह पर पसंद आता। तो जब मैं इस शो को देख रहा था ना, कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल फील कर रहा था मैं। वैसे ये स्पॉइलर है, लेकिन वो होता है यार, वो महसूस होता है जो यहाँ पर बताना चाहिए। लूसीफर शो की एक जो सबसे खास बात है कि हर एक सीजन में आपको कुछ ना कुछ एक ऐसे एपिसोड देखने को मिलेंगे जो थोड़ा बहुत रिलीफ देता है, और वही चीज़ यहाँ पर आपको 10th एपिसोड देखने को मिलता है, जो कि म्यूजिकल एपिसोड है, और मुझे पार्ट टू का सबसे बेस्ट एपिसोड वही लगा। हालांकि बहुत सारे लोगों को वो थोड़ा बोरिंग फील होगा, लेकिन वो एपिसोड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और स्पेशली वो जब गॉड करते ना, नाचो मेरे बच्चों, वो पर्टिकुलर सीन मैंने इतनी बार देखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। सीरियसली वो वन ऑफ दी बेस्ट एपिसोड्स में से एक होगा लूसीफर पूरे शो का, ऐसा मैं मानता हूँ। उसके अलावा शो में आपको इमोशंस, कॉमेडी, एक्शन और गजब के इन्वेस्टिगेशन वाले केसेस देखने को मिलेंगे, जो कि यस, बहुत सारे लोगों ये सारी चीज़ें पसंद आती है लूसीफर शो की, और वो यहाँ पर भी आपको फील होगी। हर एपिसोड में आपको अलग केस देखने को मिलेगा, और जिस तरह से भाई लूसीफर उसको इन्वेस्टिगेट करता है यार, गजब है, गजब है, गजब है। शो के क्लाइमेक्स की बात करूँ तो यार, जो जो चीज़ें वहाँ पर आप लोग फील करोगे वो अनएक्सपेक्टेड था। हालांकि क्लाइमेक्स को लोगों को और भी अच्छी तरह से मेरे हिसाब से बनाना चाहिए था, उस लेवल का क्लाइमेक्स नहीं था, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ हुई है वहाँ से मैं सर खुजा रहा था, सोच रहा था यार ये लोग अब सीजन 6 में क्या करेंगे। सीरियसली यहाँ से मैं टोटली ब्लैंड हो गया हूँ कि सीज़न 6 में हमें देखने को क्या मिलेगा। अब तो वो राइटर्स ही है जो कुछ ऐसा करते हैं जिसके वजह से हम लोग सीज़न 6 देखने के लिए मरे। भाई को नहीं पता, मैं बता दूं कि सीज़न 6 के लिए ग्रीन झंडी मिल गई है नेटफ्लिक्स की तरफ से, और हमें डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। अब देखते हैं वो लोग क्या करते हैं। उसके शो में एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई, टॉम एलिस से बढ़िया लूसीफर के रोल को कोई भी नहीं निभा सकता भाई, मान गए गुरु। वर्ल्ड में बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर एक कैरेक्टर को जिंदा कर देते हैं, और टॉम एलिस उनमें से एक है। मतलब जितने भी एक्टर्स हैं सब लोगों ने अपने हिस्से के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया, और लोगों ने इतने सालों से प्रूफ किया कि इस पर्टिकुलर रोल्स के लिए वही एक्टर बॉर्न हुए। सीरियसली मज़ा आ गया है परफॉर्मेंस वाइज। शो की एडिटिंग अच्छी है, लेकिन उसको और भी अच्छी तरह से की जा सकती थी। एक एक घंटे के एपिसोड थोड़े ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जो फैंस हैं उनके लिए तो किसी ट्रीट से कम है नहीं, लेकिन जो लोग बड़े बड़े एपिसोड्स देखना पसंद नहीं करते तो उसको थोड़ा बहुत बोरियत फील होगा। और यस, शो का जो 12th एपिसोड है वो थोड़ा आपको बोर फील करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शो में मज़ा नहीं है, शो में बहुत मज़ा है, और शो में बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने कवर करने की कोशिश की इन 8 एपिसोड में, जो कि राइटर्स की तारीफ करनी पड़ेगी। डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा, और लूसीफर अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर खरी उतरा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा या आपको एवरेज लगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इस शो को रेटिंग दूंगा
8 out of 10, और डेफिनेटली मैं इसके सीजन 6 का वेट करूंगा। और यस, ये आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि लूसीफर शो कभी भी फैमिली के साथ बैठ के देखने के लिए नहीं बनाया गया था भाई। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। और हाँ, सपोर्ट करना है वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितनी भी साइट्स सब जगह पे कर देना भाई शेयर, प्लीज़ टैग कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल दिन बाय बाय।